मैं मोहम्मद यासीन पाशा, AIMIM ब्रांच प्रेसिडेंट जामबाग डिवीजन। मैं हुकूमत से अपील करना चाह रहा हूँ कि जो लाइट के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, आवाम परेशान है, हमारे ऑफिस पे आ रहे हैं लोग के मुतालबा कर रहे हैं कि इसमें लाइट के बिल कैसा देंगे, कारोबार नहीं है, लोगों को खाने को नहीं था, लोग ताउन करे, जमात से भी हमारे काफ़ी ताउन हुआ कि लोगों में राहत हुई, अभी कारोबार खुला, इसके बाद जो सो लाइट के बिल का एक बोझ आ गया, इसमें आवाम परेशान हो जा रही। तो हम आवाम हुकूमत से अपील करना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ नज़रसानी करें आप, इसमें कुछ तब्दीली लाए, और बारिश असुद्दीन अवैसी और फ्लोरिडा अकबरुद्दीन साहब से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर आप तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिर्ज़ा खलील बेग, वार्ड कमेटी मेम्बर जामबाग डिवीज़न। बोलना ये चाह रहा हूँ कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो इजाफा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी आया है, अभी कई लोग इसमें परेशान हैं लॉकडाउन की वजह से। अभी लॉकडाउन कंटिन्यू जारी है, कई कारोबार जो है इससे मुतासिर है, जिससे गरीब आवाम बहुत अफेक्टेड हुई है, जिसमें गवर्नमेंट से भी हेल्प हुआ है और जमात की जानिब से AIMIM भी जो है बहुत सी इसमें हेल्प करे हैं। लिहाजा अभी मैं एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से करना चाह रहा हूँ, लाइट का बिल जो तीन महीने के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल तीन महीने का एक टाइम पे तो वो लोग बन नहीं सकते। और गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तीन महीने का बिल है तो आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसमें माफ़ करिए, क्योंकि एक गरीब आदमी उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी, उसका जो इनकम थी वो इनकम लेस हो गया उन्हों। लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी जानिब से, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि गरीबों का ख्याल रखते हुए गवर्नमेंट इसको माफ़ किया जाए। शुक्रिया। सुप्रीम ग्रुप की नई पेशकश ट्रेवल्स के बाद अब रियल स्टेट में, सुप्रीम फार्मलैंड, ओपन प्लॉट्स और विलास, नकद और आसान अक्सात के लिए अभी कॉल करें।